वाष्पीकरण से निर्मित जिप्सम चट्टाने एक बार देख लेते हैं, क्योंकि इतनी ज्यादा जल्दी भी नहीं करना है अपन को कि बेसिक चीज मिस हो जाए, है ना। जब अपन ने वाष्पीकरण ने बोला है कि जब अधात्विक खनिज पड़े थे, अधात्विक ना, चलो देखते हैं ऊपर, देखते हैं अधात्विक खनिज अभ्रक पड़ा है। अभ्रक के बाद, अभ्रक तो देख लिया था, चट्टानी खनिज बॉक्साइट उसके ऊपर तो नहीं है। जिप्सम मुझे नहीं लगता, मेरे को अगर जिप्सम आता ना तो मैं तुमको पीओपी की याद जरूर दिलवाता। अगर चैप्टर में जिप्सम कहीं गया तो अपन ने इसको छोड़ दिया, बीच में आया होगा। कोई दिक्कत नहीं है, देखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन दे रहे हैं वो पहेली में, तो फिर भाई जिप्सम दिया होगा चैप्टर में कहीं ना कहीं, नहीं तो बिना उसके नहीं देंगे वो। और यूरेनियम वगैरह तो दिया है, चलो ठीक है, ये तो पढ़ा है। जिप्सम साइंस में आता है, आपको पता है जिप्सम कैसे हो सकता है, लेकिन लोहा तो देखा हुआ है, ये भी देखा हुआ, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम में नहीं हो सकता जिप्सम, सीएनजी में भी नहीं हो सकता, विद्युत में जिप्सम कहाँ से हो सकता है। जिप्सम सौर ऊर्जा में हो सकता है, नहीं सौर ऊर्जा में कैसे हो सकता है, अजीब बात है, जब थाने फिर पूछा क्यों इन्होंने। खैर कोई दिक्कत नहीं है, एक चीज अगर वाष्पीकरण से निर्मित चीज नहीं बनी अपन से, उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। प्लेसर निक्षेपों से प्राप्त होता है, प्लेसर निक्षेप चैप्टर में स्टार्टिंग में पढ़ा था, और वो जो 5 पॉइंट बताया था ना खनिज कैसे मिलते हैं उसमें आया था, प्लेसर निक्षेपों से प्राप्त होता है, किसी को याद आ रहा है, थर्ड पॉइंट था प्लेसर निक्षेप, जो स्टार्टिंग में 5 पॉइंट पढ़े थे ना खनिज कैसे मिलता है, ये देखो यहाँ पर इसको अंडरलाइन करने वाली बात थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कहीं ना कहीं तो पूछेंगे ये प्लेसर निक्षेप। तो प्लेसर निक्षेप से क्या मिलता है हमको, सोना चांदी प्लेटिनम वगैरह मिलता है। प्लेसर निक्षेप किसको बोलते हैं, चट्टान नदियां जो है वो जब नीचे गिरती हैं हाइट से तो नीचे इकट्ठी हो जाता है इस चीजें, तो वो लिखा हुआ है प्लेसर निक्षेप से प्राप्त होता है ऊर्ध्वाधर फर्श में, देखना बीच में ओ लिखा हुआ है तो क्या होने वाला है, GOLD, गोल्ड, है ना। बेलाडीला में खनन किए जाने वाला लोहा अयस्क है। लोहा अयस्क का बेलाडीला में, बेलाडीला स्पेशली पूछा है, कोई ना कोई रीजन होगा क्या। दो देख लेते हैं, दो में क्या लिखा हुआ है, दो में ऊपर से दो में ऊपर से नीचे ये वाला लिखना है, लोहा अयस्क, ये लोहे अयस्क तो दो हो सकते हैं, मैग्नेटाइट और हेमेटाइट। तो देखो अब मैग्नेटाइट अगर स्पेलिंग लिखेंगे कर यहाँ पर तो MAGM आ जाएगा, जी होना चाहिए था, इसलिए क्या लिखेंगे, हेमेटाइट, हेमे हेमेटाइट, TI, हेमेटिट हो जाएगा ये तो, कितने अक्षर का है ये भी तो देखो, हेमेटाइट 8 अक्षर का है, 1 2 3 4 5 6 7, 8 पूरी नहीं दिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 ही अक्षर दिए हुए हैं, हेमेटाइट ही लिखना है उसमें, 8 अक्षर में जाएगा, एक स्पेस कम दिया हुआ है, हेमेटाइट सही आंसर है ना। बेलाडीला के खनन में लोहा विद्युत उपयोग में अपरिहार्य, विद्युत उपयोग में अपरिहार्य, 4 नंबर ऊर्ध्वाधर में लिखना है, कितने अक्षर का है, पहली फन्ना आ रही है तुम लोग को, 4 अक्षर का ही है,
अक्षर में तो माइका हो सकता है केवल, एम एम आई सी ए माइका, ऊर्ध्वाधर में है अभ्रक, ये बगल में शब्द संख्या लिखी रहती है। उत्तर पूर्वी भारत में मिलने वाले कोयले की भूगर्भिक आयु, उत्तर पूर्वी में निकलने वाले तो वो 200 मिलियन थी, फोर, भैया आपने 4 में भर हाँ दिया मैंने था फोर अभी। में भर दिया, थ्री सॉरी, ये माइका था, यहाँ पर भराएगा, तीसरे में भराएगा। तीसरा कहाँ पर है, तीसरा कहाँ पर है, तीसरा तीसरा ये वाला है, माइका भराएगा इसमें ना, उसमें स्पेस ही कम दिया हुआ है। खैर चार में आएगा ये, 200 मिलियन कैसे लिखा पाएगा, एम आई डबल एल आई ओ एन मिलियंस, सही आंसर है। ओ भाई मिलियन तो है नहीं उसमें संख्या, लेकिन टर्शरी लिखा हुआ है, टर्शरी याद आ रहा किसी को, टर्शरी हाँ भैया, शिराओं तथा शिरा निक्षेपों से निर्मित, शिराओं तथा शिरा निक्षेपों से निर्मित, और इसका आंसर है टिन। भाई साहब पढ़ा ही नहीं हमने टिन, शिराओं और तथा शिरा निक्षेपों से, खैर ठीक है, कुछ चीजें इसमें दी नहीं है, उन्होंने पूछी हुई है, हो सकता है अपन से चाहते हो कि रिसर्च करो आप, देख लेते क्वेश्चन कैसे कैसे हैं। लोह और अलोह खनिज में अंतर लिखना है, 30 शब्दों से अधिक ना दें। लोह और अलोह खनिज में अंतर, परंपरागत तथा गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन, भाई साहब यकीन मानो इसमें से क्वेश्चन हो सकता आ जाए। खनिज क्या है, आग्नेय और कायांतरित चट्टानों में खनिज का निर्माण कैसे होता है, हमें खनिजों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों है, बहुत इंपॉर्टेंट है इसके चैप्टर के क्वेश्चन। 4 नंबर में मैप तो आएगा ही, 3 नंबर में इसमें से आ सकता है पक्का है, तो अपन इसको अच्छे से, मैं आज इसको कंप्लीट करता हूँ और इसको आपको आज आज तो नहीं लेकिन आज या कल में प्रोवाइड कर देता हूँ, याद करना, आप चाहो तो ऑनलाइन चालू कर दो लेकिन वो प्रिंट आउट आपको दिए जाएंगे। ठीक, इसी के साथ ये वाला चैप्टर खत्म होता है, नया चैप्टर का वीडियो देखते हैं। नया चैप्टर का नाम है विनिर्माण उद्योग, विनिर्माण उद्योग, तो ना उसमें शुरुआत में एक कहानी जैसी दे देते हैं, तो वो देख लेते हैं एक बार क्या लिखा हुआ, फिर उसके बाद वीडियो देखते ही अपन। दिवाली के अवसर पर हरीश अपने माता पिता के साथ बाजार गया, उन्होंने उसके लिए कपड़े तथा जूते खरीदे, उसकी माँ ने बर्तन चीनी चाय व मृदा के दीप खरीदे, मिट्टी के दिए। हरीश ने देखा कि दुकानें अत्यधिक सामान से भरी हुई थी, चीजों को इतनी अधिक मात्रा में देखकर वह हैरान था। उसके पिता ने समझाया, जूते कपड़े चीनी आदि बड़े उद्योगों में मशीनों द्वारा बनाए जाते हैं, छोटे उद्योगों में बर्तन बनाए जाते हैं तथा दीप जैसी चीजें व्यक्तिगत तौर पर कारीगरों द्वारा घरेलू उद्योग में बनाई जाती है। क्या आप इन उद्योगों के विषय में जानते हैं, तो बिल्कुल इस चैप्टर में हम फैक्ट्रियों के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं अपने पास आना कितने मार्क्स का है इस चैप्टर से, और कुछ हटा हुआ पोर्शन तो नहीं है, ताकि अपन वो, मैंने क्योंकि अभी ये वाला चैप्टर देखा नहीं है, मैं अभी अर्थव्यवस्था वाले पे फोकस कर रहा था, तो पेज नंबर 23 पर, भूगोल में चैप्टर 6 से हटा है, 76 77 78 79, विनिर्माण उद्योग में एल्यूमिनियम प्रगलन उद्योग से सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग तक, एल्यूमिनियम प्रगलन उद्योग से सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग तक आना कितने मार्क का है, ये 3 मार्क का विनिर्माण उद्योग 3 मार्क का एक क्वेश्चन है और एक ऑब्जेक्टिव है, बढ़िया है, फिर तो 3 मार्क के क्वेश्चन के हिसाब से अपन कर ही लेंगे। एल्यूमिनियम प्रगलन आखिरी का ही छूटा हुआ है क्या, बिल्कुल के बीच बीच में से छूटे हुए हैं, नॉर्मली चैप्टर में आखिरी के हटा रहे हैं, पेज नंबर 76 से हटा है ना, पेज नंबर 76 से 78 हटा है, पेज नंबर 76 से 78, 76 ये है, एल्यूमिनियम प्रगलन उद्योग हटा दिया है, प्रगलन 76 77 78, फिर एक मैप है उसका 79 80 भी तो है, वो नहीं हटाया, बहुत अच्छे 4 पेज हटा के क्या कर लिया इनने में,
बस यहाँ तक हट गए। चलो ठीक है, बढ़िया है, देखते हैं अपन वीडियो इसका एक आध चैप्टर नंबर 6। देखने का तरीका क्या होता है, डायरेक्ट यूट्यूब पर लिखो, या तो वो आंटी अपने पढ़ाकू विमान वाली बता देंगी, क्लास 10 जियोग्राफी चैप्टर 6। छोटा वीडियो देखना चाहिए, क्योंकि ये 3 घंटे की वीडियो क्या करेंगे, 1 घंटे के वीडियो, इतने बड़े बड़े वीडियो देखना होते तो हम, इन्होंने बुक छाप दी, पूरी बुक ही बता दी है, इतना बड़ा भी हमको ये भी नहीं देखना है। भाई की पढ़ाई है नहीं, भाई की पढ़ाई ने बनाया नहीं है। अच्छा, इन्होंने भी कुमार अकेडमी ने भी नहीं बनाया, वो 20 मिनट का कम से कम चैप्टर है। चलो छोटे वीडियो किसी ने नहीं बनाया, बेचारे बना रहे होंगे अभी। ये इंटरेस्टिंग लग रहा है, बहन्स पढ़ाई, वाह, भाई की पढ़ाई के बाद बहन्स की पढ़ाई भी शुरू हुई। सब रिश्तेदारी यही हो रही है यूट्यूब पर। तो भाई की पढ़ाई के बाद अब बहन की पढ़ाई भी देख लो भैया। इन्होंने जो है वो जियोग्राफी के चैप्टर 6 पे फोकस किया है, पार्ट 1 है। 2 भी बनाया क्या, 22 जनवरी 2020। इकोनॉमिक हिंदी में बोले तो भैया आखिरी आवाज बचा। नहीं आ रही। हाँ 2 मिनट। अच्छा आवाज सुनना है, देखो। बढ़िया है, पहले लिख लेते वैसे हैं। नहीं बोलता है कुछ, आज ही बोला। बोल रहे हैं इकोनॉमी को समझना पड़ेगा चैप्टर समझने से पहले। अर्थव्यवस्था, एंड अर्न अ लिविंग। सिस्टम प्रोवाइड्स मीन टू वर्क टू देख, अर्न इकोनॉमी एंड जो, ये जो लिविंग। इकोनॉमी शब्द है, इसका क्या मतलब है? इकोनॉमी एक इकोनॉमी ऐसा सिस्टम है, बोले तो तंत्र ऐसा है, सिस्टम होता है जो हमें काम दैट करने, प्रोवाइड मीन्स टू वर्क टू अर्न और अर्न और लिविंग, जो कि जीने के लिए एक कमाई का एक माध्यम बनता है, जीने के लिए कमाई का एक माध्यम बनता है। इकोनॉमी एक सिस्टम है, तंत्र है, सभी लोग एक दूसरे पर डिपेंडेंट रहते हैं। यहाँ पर इकोनॉमी में सभी को एक देश दूसरे पर डिपेंड रहना पड़ता है। जैसे अर्थव्यवस्था में अपन ने बात करी, ये चीज इसमें भूगोल में क्यों आ गई है? खैर आ गई है तो पढ़ना पड़ेगी, लेकिन अर्थव्यवस्था में डाल देना चाहिए था ना ये चीज। भारत में कौन कौन से फैक्ट्रीज मेन है वहाँ वो जरूर बता रहे होंगे। चलो ठीक है, खैर इकोनॉमी में हमें जो है वो हर एक इंडस्ट्री, हर एक पोर्शन में चीजें जो है वो जरूरी होती हैं। जैसे कच्चा माल अगर कोई बना रहा है तो वो भी जरूरी है, कच्चे माल को पक्के माल में कन्वर्ट कर रहा है वो भी जरूरी है, पक्के माल को दुकानों तक, सब एक दूसरे पर जुड़े हुए। अर्थव्यवस्था में अपन ये चीज देख चुके हैं, है ना? तो वही चीज यहाँ पर मौका है। देता है, ठीक है, किसी भी फैक्ट्री में, ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, किसी भी माइन में हमें काम करने का मौका देता है, और उस काम के बदले हम पैसे कमाते हैं, ठीक है, और पैसे से ही हम सर्वाइवल हमारा होता है, ठीक है। तो इकोनॉमी इज अ सिस्टम दैट प्रोवाइड मींस टू वर्क एंड अर्न अ लिविंग। और जो इकोनॉमी है उसमें ऑर्गेनाइजेशन आती है, फैक्ट्रीज आती है, शॉप्स आती है, माइन्स आती है, ठीक है, ये सभी मिलकर इकोनॉमी बनाते हैं, ठीक है। और इकोनॉमी कैसे सिस्टम होता है जो हमें काम करने का मौका देता है और उस काम के बदले हमें पैसे मिलते हैं, ठीक है। थ्योरी इकोनॉमी, ज्यादा हो आई रही होप है। आपको समझ आया। अब मैन्युफैक्चरिंग की डेफिनेशन लिखते हैं। मैन्युफैक्चरिंग होती है, फिर इसको डिटेल में समझेंगे, ठीक है। देखो पहले समझ लेते हैं मैन्युफैक्चरिंग का क्या होती है। जैसे हमने अपने खेत मैन्युफैक्चरिंग में तो गन्ना पता है उगाया, आंटी हमको। ठीक है, ये है गन्ना, और इस गन्ने को हमने फैक्ट्री में बेच दिया, ठीक है, इस गन्ने को हमने फैक्ट्री में बेच दिया। अभी जो ये गन्ना है वो रॉ मटेरियल है, क्या है, रॉ मटेरियल। और इस गन्ने को जब हमने फैक्ट्री में बेचा, और फैक्ट्री ने क्या करी, इसकी प्रोसेसिंग की, ठीक गन्ने है, से क्या बनाएगी जब गन्ने फैक्ट्री? की प्रोसेसिंग हुई तब उस प्रोसेसिंग शक्कर से हमें क्या बनाएगी मिली, और चीनी मिली, यानी कि शुगर मिली, गुड़ भी बना सकती है, ठीक है। शराब तो भी ये जो बना प्रोसेसिंग सकती होके है। गन्ने से शुगर बनी, उस चीज को, उस पूरी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग जो है वो रॉ मैन्युफैक्चरिंग मटेरियल मेरे से, ख्याल रॉ से आपको मटेरियल की पता है, प्रोसेसिंग होकर विनिर्माण, एक नया प्रोडक्ट विनिर्माण बनता क्या है है, जो कि बहुत ज्यादा वैल्यूएबल किसी होता है, चीज का इसको हम क्या प्रोसेस बोलते हैं, करना, किसी चीज को मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। यूज करने मैन्युफैक्चरिंग योग्य जो है वो बनाना, हमारी कच्ची पूरी सामग्री इकोनॉमी से, की बैकबोन है, जैसे यानी कि हमारी पेप्सी इकोनॉमी जो बिना है वो मैन्युफैक्चरिंग और पानी, इंडस्ट्रीज के हमारी कार्बोनेटेड इकोनॉमी नहीं वाटर चलती, ठीक है। वगैरह से जो है वो कोल्ड ड्रिंक बना रही होती है। कोई फ्रूट जूस वाला, जैसे रियलमी जूस है, वो फलों के फ्रूट से फ्रूट जूस टेट्रा पैक में पैक कर रहे होते हैं। और यदि हम उसके बारे में और कुछ बात करें, जैसे उदाहरण के लिए हम बात कर लेते हैं, कोई शराब की फैक्ट्री है, तो कच्चे माल के रूप में वो शुगर लेगी, और शुगर से या फिर कोई और दूसरा फल लेगी जिसके कारण से जो है वो बना रही होगी। तो मुझे इसमें इतनी ज़्यादा कोई इंटरेस्ट नहीं लग रही, भाई की पढ़ाई में इंटरेस्ट आता है, बहन की पढ़ाई में इतना मज़ा नहीं आ रहा। बड़ा वीडियो देखते हैं, डरते नहीं है अपन, वीडियो जो है वो थोड़ा सा स्किप कर करके देखेंगे, लेकिन कुछ सही चीज़ देख लेते हैं ना, रियल में इंडस्ट्री कैसे दिखाई देती है, कुछ रियल वीडियोस देख रहे हैं यदि हमको, तो देखते हैं। थोड़ा सा बड़ा वीडियो है,
तीस तीस मिनट के, लेकिन थोड़ा जल्दी जल्दी देखेंगे अपन। आज का एग्जैक्टली। 5 मिनट देख नाउ लेते हैं, दिस बीस बिजनेस दस एक्टिविटी मिनट कैन बी और कल भी प्रोडक्शन ऑफ गुड्स देखेंगे। और इट कैन बी डिलीवरी इन सम तो सेंस। कितनी बड़ी सो फैक्ट्री व्हाट है, इज अ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एक्चुअली रेफर्स टू इस दोज तरह से इंडस्ट्रीज व्हिच बनाए इन्वॉल्व इन द जाते हैं बस मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ आइटम्स। अलग-अलग फैक्ट्री दैट की इज दे तुमने कन्वर्ट बताई रॉ मुझे। मटेरियल इनटू वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स। इट विल टेक रॉ कॉटन, कन्वर्ट इट इनटू फैब्रिक्स, क्या टेक बोल द रहे हैं, गूड्स। बोल रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट किसको बोलते हैं, वो कच्चा माल लेती है और उसको प्रोसेस करती है, बनाती है। जैसे कॉटन लेगी, कपास लेगी, उससे कपड़ा बनाएगी, है ना, गन्ना एंड लेगी, कन्वर्ट इट इनटू उससे से गन्ने की चीजें क्लॉथ्स, बनाएगी, टेक रॉ रबर एंड कन्वर्ट इट इनटू रबर प्रोडक्ट्स। रबर से रबर के प्रोडक्ट बनाएंगी, वो सब सो दिस इज द मैन्युफैक्चरिंग रोल ऑफ अ यूनिट। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। रबर नाउ अ टायर, टायर रबर मैन्युफैक्चरिंग से बने इंडस्ट्री रहेंगे। बिलोंग्स टू द सेकेंडरी सेक्टर बिकॉज इट टेक्स द रॉ मटेरियल फ्रॉम औद्योगिक क्षेत्र काय में आता है, अर्थव्यवस्था के द्वितीयक क्षेत्र में आता है, आप द सभी प्राइमरी जानते हो सेक्टर इस दैट इज बात प्राइमरी को। गुड्स एंड दे आर कन्वर्टेड इनटू फिनिश्ड गुड्स। नाउ यू मस्ट ऑल्सो नो दैट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। सो वी इकोनॉमिक कैन स्टैंड ऑफ से मेजर बाय वर्कर्स दैट आर एम्प्लॉयड डेवलपमेंट इन द प्रोडक्शन ऑफ फैब्रिक्स, ऑटोमोबाइल्स। द इकोनॉमिक स्टैंड ऑफ अ कंट्री इज मेजर बाय डेवलपमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। जितनी ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बढ़ेगी, उतनी ज्यादा जो है अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, क्योंकि जितना ज्यादा हमारे यहाँ प्रोसेसिंग प्लांट लगेंगे, उतने ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेंगे, और दूसरे दूसरे देशों में हम चीजें बेच रहे होंगे जिससे आमदनी हो रही होगी। द वर्कर्स एम्प्लॉयड इन द प्रोडक्शन ऑफ फैब्रिक्स, ऑटोमोबाइल, बेकरी एक्सेट्रा, इसके कारण से रोजगार मिलता है लोगों को, बहुत सारे मात्रा में रोजगार मिलता बेकरी है दे ना, ऑल कम इन द कैटेगरी जिसके ऑफ कारण मैन्युफैक्चरिंग से इंडस्ट्री। नाउ व्हाट इज द अर्थव्यवस्था जो है इंपॉर्टेंस ऑफ मजबूत होगी, मैन्युफैक्चरिंग सबके इंडस्ट्री? पास पैसा आता है, द बराबरी इंपॉर्टेंस इज, मात्रा में। नाउ वी ऑलरेडी नो इट इज कंसिडर्ड एज द बैकबोन ऑफ डेवलपमेंट बिकॉज इफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इज वेल डेवलप्ड इन द कंट्री, द कंट्री इज विकास ग्रेट। की रीढ़ इट है हेल्प्स इन मैन्युफैक्चरिंग, मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर व्हिच फॉर्म्स द बैकबोन ऑफ आवर एग्रीकल्चर को इकोनॉमी। सो मॉडर्नाइज हाउ डज इट करता है, मॉडर्नाइज एग्रीकल्चर? बाय प्रोवाइडिंग मशीन्स, फर्टिलाइजर्स। कृषि को मॉडर्नाइज करता है। कैसे करता है? फर्टिलाइजर प्रोवाइड करके, मशीन प्रोवाइड करके, जो काम पहले बता, आपको पता है ना, खेत जैसे हल जोतने में पहले खेत किसान कितना काम करता था, बैल से जो है वो हल हल चलाता रहना दिन भर, एक दिन में एक आध एकड़ ही कर पाना। आज एक एकड़ का कई वो एकड़ को इतनी बड़ी हार्वेस्टर, देखो कितना बड़ा हार्वेस्टर है, फर्श से काट देगा वो फसल, वो पूरी काट काट के वो ट्रक में भेज रहा है। एक से मुश्किल से 1 घंटा लगेगा उसको पूरा खेत, कितना भी बड़ा खेत हो, सफाचट करने में, है ना। इट विल स्पीड अप द तो प्रोसेस ऑफ एग्रीकल्चर, इट विल इंक्रीज द एग्रीकल्चर को प्रोडक्टिविटी मॉडर्नाइज कर रही है एंड दैट वे इट इंडस्ट्री विल मॉडर्नाइज। इट कैन मैन्युफैक्चरिंग, रिड्यूस द डिपेंडेंसी ऑफ पीपल ऑन एग्रीकल्चरल इनकम बाय प्रोवाइडिंग देम जॉब्स। लोगों की कृषि पर डिपेंडेंसी हम खत्म कर रही है। अभी तक हम कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थे, लोग बाग कृषि से ज्यादा कमा रहे थे, लेकिन अब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लग रही है तो लोग बाग वहां नौकरी कर रहे हैं, वहां उनको जरूरत पड़ रही है, वहां काम कर रहे हैं, और क्यों नहीं करें, सही भी चीज है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज अ प्रीकॉशन, प्री कंडीशन फॉर इरेडिकेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी फ्रॉम आवर कंट्री। इससे गरीबी दूर की जा सकती है, बेरोजगारी दूर की जा सकती है। ब्रिंग डाउन रीजनल डिस्पैरिटीज बाय स्टेबलाइजिंग इंडस्ट्रीज एंड ट्राइबल एंड बैकवर्ड एरियाज, जो हमारे पीछे पिछड़ गए हैं कुछ एरियाज, वहां पर जो है जो रीजनल डिस्पैरिटीज, मतलब जगह कई कई जगह पर क्षेत्र में, जैसे आप देख रहे हो बिहार में, पहले जब बिहार में झारखंड था, तो झारखंड में अत्यधिक मात्रा में मिनरल्स पाए जाते थे, वो बेचते थे बाहर, उनकी आमदनी बढ़। जैसे ही झारखंड अलग हुआ ना, बिहार एक तरह से बहुत बुरी तरह से फंस गया, क्योंकि वहां पर मिनरल्स नहीं है, बिहार में है उतनी ज्यादा मात्रा में नहीं, उतनी ज्यादा मात्रा में नहीं है, तो वो क्षेत्र पिछड़ गया। उसको कवर अप करने के लिए ऐसी इंडस्ट्रीज मदद करती हैं, वहां अगर खनिज वगैरह नहीं है तो फैक्ट्री लगा के कम से कम रोजगार तो दे सकते हैं हम लोगों को। बिहार इसलिए सबसे ज्यादा पीछे रह गया है, वहां पर खनिज संपदा जो है झारखंड में चली गई डिवाइडेशन के बाद से, और वहां पर जो है वो अब काम करने के लिए वहां पर फैक्ट्री नहीं है, इसके कारण से परेशानी होती है वहां के लोग, है ना। तो फैक्ट्री वगैरह इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है इसमें सब चीजों में मदद करता है। एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग गुड एक्सपांड ट्रेड एंड कॉमर्स, ब्रिंग इन सच मच नीड फॉरेन एक्सचेंज, जो अर्थव्यवस्था के लिए दूसरी करेंसी जरूरत है, जैसे डॉलर वगैरह की जरूरत है। तो यदि हम अपने जो सामान विनिर्माण करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं और विदेशों में बेचते हैं, तो हमें जो है विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है। अर्थव्यवस्था को कैसे मजबूत करता है, उसी के बारे में बात कर रहे हैं। कंट्रीज दैट ट्रांसफॉर्म देयर रॉ मटेरियल इनटू वाइड वैरायटी ऑफ फिनिश्ड गुड और हायर वैल्यू आर प्रॉस्परस। जो लोग कंट्रीज ने आज तक का इतिहास है कि जो कंट्रीज ने अपने यहाँ पाई जाने वाली जो जैव संसाधन है, मिनरल्स है, उनको मैन्युफैक्चर करके विदेशों में भेजा है, उनकी ग्रोथ अच्छी हुई है, उनका डेवलपमेंट बहुत अच्छा हुआ है। एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री मूव हैंड इन हैंड, और जो जो हमारी कृषि होती है वो बैकबोन, वो भी बैकबोन है, मानना पड़ेगा, क्योंकि कृषि जो है वो कच्चा माल उपलब्ध कराती है और फैक्ट्रीज फिर कच्चे माल को फिर कन्वर्ट करती है। दोनों एक दूसरे के डिपेंडेंट है, दोनों को एक दूसरे की जरूरत पड़ती है, अगर एक नहीं होगा तो दूसरे की जरूरत जो है वो खत्म हो जाएगी, इसलिए दोनों को एक दूसरे की जरूरत है ना। आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल फिर कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि 12th क्लास वाले बच्चे भी आ गए हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल फिर मिलेंगे, आई होप कुछ नया सीखा होगा।
बाय, गुड नाइट, जय गुरुदेव सभी को।